दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जॉर्ज बर्नार्ड शाव की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले मेजर बारबारे के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। इन डिटेल इसकी सामरी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ एक मिनट देखकर भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर और ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये जो प्ले है मेजर बारबारा, इसमें दोस्तों एक यंग ब्यूटीफुल लड़की के बारे में बताया गया है जिनका नाम है मेजर बारबारा। दोस्तों, मेजर बारबारा एक आर्मी में काम करती है, आर्मी इंस्टीट्यूशन में काम करती है एज ए मेजर, ठीक है। दोस्तों, मेजर बारबारा के एक सिस्टर है और एक ब्रदर है, दोनों ही बहुत बड़े हैं और मैरिज की उम्र के हैं, ठीक है। उनका शादी का उम्र हो चुका था। उनके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस ये है कि वेपन मेड करना, वेपन बनाना उनका बिजनेस का हिस्सा है। और ये बहुत ही रिच बिजनेसमैन है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है अपने बिजनेस से। लेकिन दोस्तों, उनके मदर के साथ उनके फादर का जो डिवोर्स था, ये बहुत पहले ही हो चुका था। जब वो छोटी थी तब भी डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि उनके मदर और फादर के बीच में कुछ बन नहीं रहा था, तो उसके लिए बहुत पहले उनका डिवोर्स हो चुका था। दोस्तों, क्या होता है कि एक दिन कुछ घटना के द्वारा मेजर बारबारा और उनके जो फादर है, इन दोनों का मीट होता है। कुछ इवेंट था जिसमें इन दोनों का मीट होता है। तो मेजर बारबारा को उस टाइम पे जब इन दोनों ने मीट किया था, उनके फादर और वो, तो मेजर बारबारा को उनके फादर के बारे में सब कुछ पता चलता है कि वो क्या बिजनेस करते हैं। और ये बिजनेस देश के हित में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वेपन मीट करते हैं, बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वार को ये मतलब उकसाते हैं। तो मेजर बराबरा जब उनके फादर से मिले, तो उनके फादर का जो ख़राब बिजनेस था उसके बारे में वो उन्होंने समझा कि उनके फादर किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। और मेजर बराबरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो आर्मी के मेजर थे, तो डेफिनेटली बात है उनको देश के प्रति प्यार था। लेकिन दोस्तों, उनके जो फादर थे, उनको मेजर बारबारा का प्रोफेशन से, वर्क से बहुत ही खुशी थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनके जो डॉटर है वो एक आर्मी में काम करते हैं एज ए मेजर, जो देश के हित में है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, उनके जो फादर है वो डिसाइड करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि उनके जो बेटी जिस तरह से काम करती है वो देश के हित में है। तो वो डिसाइड करते हैं कि मेजर बारबारा के जो फादर है वो डिसाइड करते हैं कि मेजर बारबारा के जो आर्मी है उनको वो डोनेट करेंगे बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, क्या होता है कि मेजर बारबरा को जब ये पता चलता है कि उनके फादर एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेशन करने जा रहे हैं उनकी आर्मी को, तब वो बहुत ही सैड होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके फादर जिस तरह से पैसे कमा रहे हैं वो ख़राब तरीक़ों से पैसे कमा रहे हैं, वेपन को बेच कर वो पैसा कमा रहे हैं, और ये देश के हित में नहीं है, तो ये पैसा कैसे आर्मी के इंस्टीट्यूशन में जा सकता है। तो मेजर बारबरा बिल्कुल डिनाई कर देती है ये पैसों लेने से। लेकिन दोस्तों, उनके आर्मी के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिशियल ने उनके फादर से ये पैसा ले लिया था एज ए डोनेशन, ठीक है, डोनेशन ले लिया था। उसके बाद दोस्तों, उनके फादर और उनके बीच में बातचीत होती है, और फादर ये बोलते हैं कि ये पैसा उन्होंने बहुत ही अपने हार्ट से दान किया है, तो ये पैसा अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, मेजर बारबरा और उनके फादर के बीच का जो रिलेशन है वो ठीक ठाक होता है। और बाद में जाकर मेजर बारबरा के जो हस्बैंड थे, जिनके साथ मेजर बारबरा एंगेज थी लेकिन शादी अभी तक नहीं हुआ था, उनको ये डिसाइड करते हैं कि उनके फादर ये डिसाइड करते हैं कि उनके जितना भी बिजनेस है, उनके फादर के जो भी बड़ा बिजनेस है, वो मेजर बारबरा के जो हस्बैंड हैं उनको वो दान कर देंगे फ्यूचर के लिए। उसके बाद दोस्तों, उनके फादर अपने इतना बड़ा बिजनेस मेजर बारबरा के हस्बैंड को दान कर देते हैं फ्यूचर के लिए। और इसके बाद मेजर बारबरा और उनके हस्बैंड और पूरा फैमिली बहुत ही अच्छे से जीना शुरू कर देती है। इसके बाद दोस्तों, मेजर बारबरा का जब से उनके फादर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद उनके मदर और फादर के बीच का जो रिलेशन है वो भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे दोस्तों, ये फैमिली बहुत ही अच्छे से जीना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों, इस प्ले का एंड होता है। ये बहुत ही सिंपल सा एक प्ले है, मेजर बारबरा के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर एक प्ले लिखा गया था, तो ये प्ले है। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।